नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की जो वीडियो लेके आए हैं, इंद्रजीत भाई के गायों की वीडियो बना रहे हैं। भाई के डेयरी फार्म का नाम है इंद्र डेयरी फार्म। भाई का सेल परचेज का काम है। अभी मौके पे 5-6 गाय भाई बिक्री के लिए पशु मंडी डब्बावाली में लेके आए हैं। पता करेंगे भाई अपने डेयरी फार्म पे कितनी गाय रखते हैं, कौन कौन सी नस्ल की गाय रखते हैं, वैसे भी बिक्री के लिए रखते हैं या नहीं, सारी इंफॉर्मेशन लेंगे। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में आपको जो मौके पे गायों का मोल भाव है उसकी जानकारी होगी। अगर आपने गाय खरीदनी हो, बेचनी हो, तो आप भाई से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पेज पर वीडियो देख रहे हैं तो पेज को आप फॉलो जरूर कर दें। अपने दोस्त मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर वीडियो को आप शेयर जरूर कर दें। तो पता करते हैं भाई से सारी डिटेल। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब सबसे पहले अपना नाम। मेरा नाम इंद्रजीत भाई है जी। ठीक है भाई। अपना डेयरी फार्म का नाम? इंद्र डेयरी फार्म। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मानसा जी, पंजाब में। पंजाब से हो भाई जी। गांव कौन सा आ गया अपना? गांव माखा जी। माखा जी सर। तो भाई अपना सेल परचेज का ही काम है? जी सर, सेल परचेज का काम। स्पेशल गाय रखते हो, भैंसे भी होती है? दोनों की करते हैं सर, गाय भी होती है अपने पास, भैंस भी। ठीक है। तो हर टाइम कितनी गाय अपने 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 पास? सर 10 से 15 गाय अवेलेबल रहती है हर टाइम। हर टाइम जी सर। भैंसे? भैंसे भी अवेलेबल रहती है जी। वो कितनी रखते हो? 5-10 जितनी भी क्वांटिटी होती है कस्टमर के हिसाब से, जितनी जिस चीज की सेल जावे सर। ठीक है। उसी पे थोड़ा ज्यादा फोकस करते हैं, जैसे जैसे गांवों से माल मिलता रहता है। ठीक है। वैसे जैसे सर खरीदारी अपनी चालू रहती है। ठीक है। अगर जैसे मान लो इतनी गाय और वैसे रखते हो, ज्यादा अगर किसी ने खरीदनी होगी तो दिलवा दोगे? कोई बात नहीं सर, जो अपने पास ना पसंद आए, अपने पास 10 से 15 गाय एनी टाइम अवेलेबल रहती है। ठीक है भाई। यदि हमारे पास से कस्टमर को ना सिलेक्ट आए तो दूसरी जगह से सिलेक्ट करवा देते हैं। ठीक है जी। तो भाई ऑनलाइन पशु भेज देते हो? बिल्कुल बिल्कुल सर, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलते हैं। अच्छा। अगर हमारा ये फोकस रहता है कस्टमर इधर आके जितना इधर पास आके गाय परचेज करे, भैंस परचेज करे, उतना अच्छा रहेगा सर। ये तो बात सही है, इन दोनों का बेनिफिट है सर। हमारा भी उसमें बेनिफिट रहता है कि ऐसा कस्टमर को सेटिस्फेक्शन अच्छी मिल जाती है सर। ना सही बात है जी। तो नस्ल कौन कौन सी रखते हो? नस्ल अपने पास एचएफ जर्सी, एचएफ क्रॉस, साहिवाल, अच्छा आयरशायर, हर नस्ल की मुर्रा, नीली राज, सभी अपने पास सर मिल जाते हैं। हर नस्ल ही रखते हो? जी सर जी। ठीक है भाई। फोन नंबर अपना? मेरा फोन नंबर है 9779353412। 9797353412। सर ठीक है भाई। तो अभी मौके पे कितनी गाय दिखाओ? अपने आज सर 11 गाय थी, उसमें से 4 गाय सेल हो गई, 7 गाय अभी भी अपने पास अवेलेबल है मौके की है जी। बिल्कुल। नस्ल कौन कौन सी है सर? एक तो फुली ब्रीड में है, बाकी एचएफ क्रॉस में है सभी गाय। एचएफ क्रॉस जी, अच्छे दूध की है। ताजा बेई है, प्रेग्नेंट है? अभी 4 गाय प्रेग्नेंट है सर, 3 गाय ताजा बेई हुई है, जो बाकी है। ठीक है भाई। एक एक करके ना गाय चला के दिखा दो। कौन सी दिखाओगे पहले दोस्तों? जर्सी क्वालिटी की गाय आपको भाई चला के दिखा रहे हैं। काफी शानदार क्वालिटी की गाय है, काफी बढ़िया, काफी सुंदर अडर है, फेस क्वालिटी काफी बढ़िया है, हाइट लेंथ मीडियम है। इसकी डिटेल भाई से पता करेंगे, दूध और रेट के बारे में पता करेंगे भाई, जो इसका मोल है वो क्या मांग रहे हैं, दूध का रिकॉर्ड क्या होगा। गाय को काफी सुंदर है, काफी बढ़िया क्वालिटी की गाय है, फेस क्वालिटी देखें आप, काफी लाजवाब है, अडर भी काफी सुंदर है गाय का। हाँ इंद्र भाई, इस गाय की डिटेल बता दो, प्योर जर्सी है या मिक्स है? ये जो सेकंड टाइमर है सर, प्योर जर्सी है? प्योर जर्सी है जी, ब्रांडेड पीस है, पंजाब वाली जर्सी है सर ये। हाँ ना, बढ़िया सुंदर गाय है भाई जी। ये अभी प्रेग्नेंट है सर, अभी ले जाएगी, 6-7 दिन बाकी है सर। ब्यांत कौन सा है? ब्यांत सेकंड है सर, दूसरा ब्यांत है, 6-7 दिन बाकी है जी। 6 दांत है मुंह से। दूध कितना निकाल देगी? दूध निकाल देगी सर 22-23 लीटर खुला सर। निकाल देगी कितना? निकाल देगी आराम से। अच्छा जी। इसका मोल जेन्युइन डिमांड तो सर इसकी 95 है। अच्छा जी। कितने में छोड़ दोगे? देनी है सर 75 में दे देंगे। हाँ ना है या मौके पर? हाँ ना जी। हाँ ना है जी। ठीक है। तो दोस्तों भाई ने डिटेल गाय की बता दी है, अनुमान आप लगा सकते हैं गाय आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में आप लिखकर जरूर बताएं। इसी तरह की अगर आपने गाय खरीदनी हो तो आप इंद्र भाई से संपर्क कर सकते हैं। ये गाय आपको चला के दिखाएंगे, क्वालिटी आप चेक कर लें, हाइट लेंथ मीडियम है, डिटेल भाई से पता करेंगे दूध और रेट के बारे में। अडर काफी बढ़िया, काफी सुंदर अडर है, अडर में ढीलापन है, अभी अडर काफी बड़ा बनाएगी गाय, बाकी डिटेल पता करते हैं भाई से। Thank you.
हाँ इंद्र भाई, इस गाय की डिटेल बता दो, प्रेग्नेंट है गाय? प्रेग्नेंट है सर, सेकंड टाइम है, अभी मुंह से 6 दांत है सर। अच्छा, 10 से 15 दिन पेंडिंग अभी बयान में बच्चा देने में सर। अडर तो काफी बड़ा बढ़ाएगी अभी? हाँ बहुत, अभी तो सर लूज पड़ा है, अभी 10 से 12 दिन आराम से निकाल जाएगी। एचएल क्वालिटी की अच्छी गाय है सर, बछड़ी है अभी, ठीक है, मुंह से 6 दांत है, दांतों में परी नहीं है, ठीक है। मोल इसका जेन्युइन? मोल इसका तो सर मांग तो 80,000 रहे हैं, बाकी 65 में दे देंगे। कुछ और नीचे आ जाओगे? नहीं, थोड़ा बहुत मौके पे मान सम्मान हो सकते हैं, ज्यादा नहीं सर। ठीक है भाई जी, दूसरी गाय और चला दो। तो दोस्तों, इस गाय की डिटेल भाई ने बता दी है, रेट भी भाई ने बता दिया है, बाकी आप अनुमान लगा सकते हैं। दूसरे नंबर पर ये गाय है, इसकी भी डिटेल भाई से पता करेंगे। देखिए दोस्तों, पता करेंगे दूध का जो अनुमान है वो कितना होगा, भाई इसका जो मोल है वो क्या मांग रहे हैं। प्रेग्नेंट गाय है, हाइट लेंथ बढ़िया है, हाँ इंद्र भाई, इसकी इस गाय की डिटेल और बता दो। ये भी प्रेग्नेंट है? ये भी प्रेग्नेंट है सर। कौन सी ब्यांत में? ये तीसरे ब्यांत में, 2 बार बच्चा दिया सर, अभी तीसरी बार भेगी। अच्छा, ये नस्ल कौन सी आएगी, क्रॉस में? ये क्रॉस में सर। अच्छा, इसका भी 15-20 दिन पेंडिंग है सर। अच्छा, ज्यादा कच्ची है, बहुत अडर लूज है सर, बहुत भरेगी। हाँ हाँ, वैसे आंचल वांचल की ठंडी है, ठंडी सूदी गाय है सर, ठीक है। बॉडी लेंथ, हाइट देखो गाय की, लेंथ देखो सर, वजनदार गाय है जी, बिल्कुल स्ट्रक्चर देखो, एकदम हाथी जैसा स्ट्रक्चर है सर, ठीक, बहुत अच्छी गाय है, वजनी गाय है। दूध कितना निकाल देगी? दूध निकाल देगी सर 25 लीटर आराम से निकाल देगी जी। इसका मोल? इसका मोल लेने देने वाला सर 75 है, डिमांड 1 लाख की है। 1 लाख की है, 75,000 में आप छोड़ दोगे? छोड़ देंगे, कुछ और मान सम्मान भी हो जाएगा? मान सम्मान हो जाएगा, मगर इससे ज्यादा नहीं होगा सर। अच्छा, कुछ हो जाएगा जी, ठीक है। तीसरे नंबर पर चला के दिया था। तो दोस्तों, इस गाय की डिटेल भाई ने बता दी है, प्रेग्नेंट गाय है, रेट भी भाई ने बता दिया है, बाकी आप अपने हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं। हाइट लेंथ में काफी गाय प्रेग्नेंट है, इसकी भी डिटेल भाई से पता करेंगे दूध और रेट के बारे में। हाइट लेंथ मीडियम है, अडर काफी लूज है, अभी काफी बढ़िया अडर बनाना चाहिए गाय ने, बाकी आप अनुमान लगा सकते हैं गाय का। हाँ इंद्र भाई, इस गाय की डिटेल और बता दो, नस्ल कौन सी है? ये सर सेकंड टाइमर है, एचएफ की क्वालिटी वाली गाय है सर, बहुत अच्छी जी। कौन से दांत में? ये सेकंड टाइमर है सर, मुंह से 6 दांत था, और एक बार फ्रैक्चर की बात करूं हाँ। तो सर इस ये ब्रूड की बच्ची है सर। अच्छा जी, एचएफ की बहुत टॉप क्वालिटी का बच्चा है सर। अभी देखो अडर देखो कितना लूज पड़ा है, अडर लूज है अभी जी, बिल्कुल 10 से 15 दिन आराम से ले जाएगी, और दूध की बात करूं 25 से 30 लीटर वाली चलने वाली गाय है सर। निकाल देगी कितना? निकाल देगी सर, ब्रांडेड पीस है, अडर देखो कितना फिटिंग वाला अडर है, ठीक है, वैसा लूज वगैरह अडर नहीं है, जो नीचे को ज्यादा हो, ठीक है, फिटिंग क्वालिटी वाला अडर है सर, ठीक है। अंचल बिल्कुल गैप पे लगे हुए, स्ट्रक्चर देखो गाय का, बिल्कुल बहुत अच्छी ठंडी सूदी गाय है सर। इसका मोल जेनुइन? मोल इसका सर 85,000 है, 70 में देनी है जी, 70 में हाना है, हाना देनी है जी, ठीक है भाई जी सर। तो दोस्तों, इस गाय की डिटेल भाई ने बता दी है, प्रेग्नेंट गाय है, भाई ने बताया है काफी अच्छे नस्ल की गाय है, बाकी आप देख सकते हैं अडर काफी बढ़िया बनाएगी गाय, अनुमान आप लगा सकते हैं दूध गाय ने कितना निकालना चाहिए, भाई ने जो रेट मांगा है वो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लिखकर जरूर बता दें। और कौन सी गाय है भाई?